उत्तर प्रदेश बाधिर फाउंडेशन ने केडीसी बाबू स्टेडियम से शांति मार्च निकाला है, जिसमें दिव्यांगों ने मार्च निकालते हुए पीएम और मुख्यमंत्री से सांकेतिक भाषा को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मान्यता दी जाने की मांग की है, जिससे कि दिव्यांग समाज को अलग पहचान मिल सके और दिव्यांग समाज आगे बढ़कर सरकारी विभागों में अपनी भागीदारी बढ़ा सके। मेरा नाम शबाना खान है। मैं सांकेतिक भाषा का अनुवादक हूँ। मैं यहाँ यूपी के अंदर जितने भी ये जो डेफ यहाँ पे आए हैं, यूपी डीएफ प्लस DWWF और अलग अलग एनजीओ से जो डेफ सारे यहाँ यूपी से आए हैं, यहाँ पे इनका आने का जो एम क्या है कि ये इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लस यूएनओ ने जो साइन लैंग्वेज को अप्रूव किया है, तो हमारी मांग है कि नेशनल लेवल पे ISL को भी एक्सेप्टेंस मिले कि वो एक लैंग्वेज है। और इसी के लिए दिव्यांगजनों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया नाम दिया दिव्यांगजन, सम्मानजनक शब्द का उच्चारण हुआ, उससे आज दिव्यांगजनों में एक जन जागृति हुई, जिसके उपलक्ष्य में सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में आज 23 सितंबर को इन लोगों ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम से पैदल शांति मार्च उत्तर प्रदेश मूक बधिर फाउंडेशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश के हर जनपद के हजारों की संख्या में